नमस्कार दोस्तों, सिंगल और यूनिक प्लेटफॉर्म के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 29 सितंबर 2018 और 29 सितंबर 2018 के करंट अफेयर्स प्रश्नों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, सिंगल एंड यूनिक प्लेटफॉर्म टीम वेलकम्स यू इन दिस करंट अफेयर्स शो। टुडे इज 29 सितंबर 2018 एंड वी विल डिस्कस द करंट इवेंट्स इन दिस करंट अफेयर्स शो। प्लीज़ share and subscribe our channel and press this bell icon for more education related videos. Now let's have a look on the history as what happened on this day. On this day in the year 1959, Aarti Saha became the first Asian woman to swim across the English Channel, and she was the first Indian sports person to be awarded Padma Shri in the year 1960. आइए अब नज़र डालते हैं इतिहास की आज के दिन की घटना पर। आज के दिन सन 1959 में आरती शाह इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली एशियाई महिला बनी और सन 1960 में उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। नाउ लेट मी शो यू द पिक्चर ऑफ इंग्लिश चैनल। दिस इज द पिक्चर ऑफ इंग्लिश चैनल। द फर्स्ट इंडियन मैन टू क्रॉस दिस चैनल वॉज मिहिर सेन एंड द फर्स्ट वुमेन टू क्रॉस दिस चैनल was Aarti Saha. Now let's discuss the current affairs quiz. The very first question is, Supreme Court has opened the door of which Kerala temple for women? And it has opened the door of Sabarimala temple for women. Earlier, the women from the age group 10 to 50 years were debarred entry in this temple. Now they are free to enter in this temple. Now let me give you the basic information about Kerala. Capital of Kerala is Thiruvananthapuram. CM of Kerala is Pinarayi Vijayan. Governor of Kerala is P. Sathasivam. Now, the same question in Hindi. Bharatiya Uchchatam Nyayalaya ne Kerala ke kis mandir ke dwar mahilaon ke liye khol diye hain? Aur is mandir ka naam hai Sabarimala Mandir. इस मंदिर के द्वार महिलाओं के लिए जिसकी उम्र 10 से 50 साल थी उनके लिए बंद थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार ये मंदिर सार्वजनिक सब के लिए खोल दिया गया है। अब मैं केरल के बारे में आपको कुछ सामान्य जानकारी देना चाहता हूँ। केरल का मैप आप देख सकते हैं मानचित्र पर जो लाल रंग से प्रदर्शित किया गया है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है और केरल के राज्यपाल पी सदाशिवम हैं। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर टू। इन विच मंथ रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन विल विजिट इंडिया टू होल्ड टॉक्स विद पीएम मोदी एंड ही विल विजिट इन अक्टूबर। ही विल टेक पार्ट इन द 19th इंडो रशियन एनुअल बायलेटरल समिट। Now let me give you the basic information about Russia. Capital of Russia is Moscow. Currency of Russia is ruble and the PM of Russia is Dmitry Medvedev. Now let's discuss the same question in Hindi. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन किस महीने में भारत के दौरे पर आएंगे? और ये आएंगे अक्टूबर माह में। ये 19वें भारत रूस द्विपक्षीय बैठक में हिस्सा लेंगे। अब मैं रशिया के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं दुनिया के मानचित्र पर रशिया का मानचित्र। रशिया क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश है। रशिया की राजधानी मॉस्को है, रशिया की मुद्रा रूबल है और रशिया के प्रधानमंत्री हैं दमित्री मेदवेदेव। Now let's discuss question number 3. What is the name of army exhibition inaugurated on the second anniversary of the successful surgical strike? And the name of this exhibition was Parakram Parv. And it was inaugurated by our Prime Minister in Jodhpur, Rajasthan. Now let me give you the basic information about Rajasthan. Capital of Rajasthan is Jaipur. CM of Rajasthan is Vasundhara Raje
And the governor of Rajasthan is Kalyan Singh. Now, the same question in Hindi. सर्जिकल स्ट्राइक की दूसरी वर्षगांठ पर लगी भारतीय सेना की प्रदर्शनी का क्या नाम है? और इसका नाम है पराक्रम पर्व, जो कि राजस्थान के एक शहर जोधपुर में हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित की गई. नाउ अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ राजस्थान का मानचित्र, भारत के मानचित्र पर जो लाल रंग से प्रदर्शित है. राजस्थान हमारे देश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है. अब राजस्थान का सामान्य ज्ञान. राजस्थान की राजधानी जयपुर है. राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं और राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह हैं. नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4. विच कंट्री विल होस्ट द ऑफिशियल वर्ल्ड टूरिज्म डे सेलिब्रेशंस इन 2019? एंड द कंट्री विच विल होस्ट दिस सेलिब्रेशन इज इंडिया. 2019 के पर्यटन दिवस के उत्सव की मेजबानी आधिकारिक रूप से कौन सा देश करेगा? और यह देश भारत होगा जो इसकी मेजबानी करेगा. क्वेश्चन नंबर 5. हु हैज लॉन्च्ड द इनक्रेडिबल इंडिया मोबाइल ऐप? एंड इट हैज बीन लॉन्च्ड बाय मिस्टर के जे अल्फोंस, हु इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म. नाउ इन हिंदी, इनक्रेडिबल इंडिया मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च की गई है? और ये लॉन्च की गई है के जे अल्फोंस, जो केंद्रीय पर्यटन मंत्री हैं. नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6. हु हैज रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द हाई लेवल मीटिंग ऑन ट्यूबरक्लोसिस एट द 73rd सेशन ऑफ UNGA, दैट इज यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली. एंड द पर्सन हु हैज रिप्रेजेंटेड इज आवर यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर JP नड्डा. संयुक्त राष्ट्र महासभा के 73वें संस्करण की उच्च स्तरीय बैठक में भारत की ओर से किसने हिस्सा लिया? ये थे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री JP नड्डा. क्वेश्चन नंबर 7. विच स्टेट हैज बैग्ड द फर्स्ट प्राइज फॉर कंप्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म? एंड द स्टेट विच हैज गॉट द फर्स्ट प्राइज इज आंध्र प्रदेश. सेकेंड प्राइज वॉज अवॉर्डेड टू केरला. थर्ड वॉज shared by Rajasthan and Goa. Now let me give you the basic information about Andhra Pradesh. Capital of Andhra Pradesh is Amravati. CM of Andhra Pradesh is N. Chandrababu Naidu. And the governor of Andhra Pradesh is E. S. L. Narasimhan. Now the question in Hindi. Kis rajya ne paryatan ke vyapak vikas ke liye पहला स्थान हासिल किया है? और यह राज्य है आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश को आप भारत के नक्शे पर लाल रंग से प्रदर्शित हुआ देख सकते हैं. आंध्र प्रदेश के बारे में सामान्य जानकारी. आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है. आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N. चंद्रबाबू नायडू हैं और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं E. S. L. Narasimhan. Now let's discuss question number 8. What is the theme of Rabies Day celebrated on 28 September 2018? And the theme is 0 by 30. Means in honor of the goal of zero human deaths from canine rabies by 2030. 28 सितंबर 2018 को मनाए गए वर्ल्ड रैबिज दिवस का विषय क्या है? और इसका विषय है 0 by 30, अर्थात 2030 तक रैबिज से होने वाली सारी बीमार ह्यूमन डेथ्स, मतलब मानव मृत्यु को ख़त्म कर दिया जाएगा 2030 तक. नाउ लेट्स डिस्कस अ फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स, खेल की दुनिया से कुछ प्रश्न. क्वेश्चन नंबर 9. Where has 8th Asian Yoga Sports Championship begun? And it has begun in Thiruvananthapuram, Kerala. 8th Asian Yoga Sports Championship कहाँ शुरू हुई है? और ये शुरू हुई है Thiruvananthapuram, जो केरला की राजधानी है. Who has been named as Event Ambassador of Delhi Half Marathon? And the person who has been appointed ambassador
is Sania Richard Rose. She is 4-time Olympic gold medalist, and this marathon will be conducted on 21st October. दिल्ली हाफ मैराथन का दूत किसे नामित किया गया है? और ये हैं सानिया रिचर्ड रोस, जिन्हें नामित किया गया है। ये 4 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता रह चुकी हैं और ये मैराथन 21 अक्टूबर को की जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, हु विल कैप्टन द इंडियन टीम इन द 6th एडिशन ऑफ वुमेन्स वर्ल्ड T20 क्रिकेट टूर्नामेंट? एंड द लेडी हु विल कैप्टन इंडियन टीम is Harmanpreet Kaur and the vice captain is Smriti Mandhana. Women's World T20 tournament के 6वें संस्करण के लिए भारत की कप्तानी किसे सौंपी गई है? और ये सौंपी गई है Harmanpreet Kaur को। उपकप्तान रहेंगी स्मृति मंडाना। That's all in this current affairs show. आज के current affairs show में इतने ही प्रश्न डिस्कस किए जा रहे हैं। Thank you for watching it. Please share and subscribe our channel. Thank you.